भाई साहब, इसको कहते हैं हॉस्टाइल क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर वन बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी। एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्टैलिटी के साथ एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे। व्हाट अ बॉलिंग दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग मोहसिन साहब, और विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट द बेस्ट बॉलिंग यूनिट ऑफ दिस वर्ल्ड कप टीम इंडिया। और आते साथ ही फिर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट भी ले लिया, तो सिफर पर पहली विकेट भी उनकी गई। बिल्कुल, शामी इनके पास हैं, सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, तीन बेहतरीन फास्ट बॉलर्स, फिर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स मौजूद हैं पिच में। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पिन भी कर रहा है, बॉल हर मैच में आउट किया है और ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की है। और आई थिंक बुमराह विद न्यू बॉल और उनके साथ सिराज जो बॉलिंग कर रहे हैं, थर्ड चेंज के ऊपर इज आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन दे हैव। द बॉलर्स आर बॉलिंग वेल, द बैटर्स, द टॉप बैटर्स लाइक रोहित, विराट, ऑल दीज गाइज आर गेटिंग रन्स इन क्रूशियल गेम्स, एंड दे आई मीन दे एब्सोल्युटली राइट इमरान, दे डू लुक अनस्टॉपेबल। इंडिया और श्रीलंका का मैच, बहुत ही फिनोमिनल बैटिंग इंडिया की जानिब से जनाब की गई है, 357 रन्स का टारगेट दिया गया। लेकिन ये होती है असली नंबर वन बॉलिंग अटैक सवेरा, तो और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आज खौफ पैदा कर रही है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। तो उन्हें रन तक तो लेने नहीं दे रहे। नहीं, अब तो मुसीबत पड़ी हुई ना, देखिए अब तो वो अटैक कर रहे हैं सर, लेकिन ये ज्यादा बुरा हाल है। ये तो बहुत ही बुरा हाल है, ये बहुत ही बुरा हाल है, ये तो बहुत बुरा हाल है। एक अपना आप रिकॉर्ड होगा इस पूरे वर्ल्ड कप में, पर इंडिया के पास भी एक रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका, यानी कि भारत और श्रीलंका का जो मैच था उसमें 357 रन का टारगेट रखा था भारत ने। हालांकि श्रीलंका टॉस जीता था और टॉस के बाद में उसने बॉलिंग को चुना, और बॉलिंग चुनने के बाद पहली जो बैटिंग हुई, पहली बैटिंग मतलब इंडिया ने की, भारत ने की, भारत ने 357 रन का टारगेट रखा। अब टारगेट रखने के बाद अब बारी आई श्रीलंका के खेलने की। श्रीलंका जैसे ही बैटिंग पे उतरी तो श्रीलंका को 55 रन पे ढेर कर दिया, यानी कि ये एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा ये बात कि 55 रन पे, 357 रन का टारगेट था और मात्र 55 रन पे पूरी ऑल टीम आउट कर दी इंडिया ने। अब ये जैसे ही मैच जीते, मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के पास, मतलब पाकिस्तान वाले तो राहत ही रहे थे कि कैसे भारत हारे, क्योंकि वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं। अब जैसे ही मतलब ये मैच समाप्त हुआ, भारत जीत गया इतने अच्छी रिकॉर्ड तोड़ हिस्ट्री बनाकर, अब पाकिस्तान मीडिया से रुझान आना शुरू हो गया, पाकिस्तान के लोगों से रुझान आना शुरू हो गया। रुझान में क्या है कि पाकिस्तान अब बोल रहा है, पाकिस्तानी आवाम अब कह रही है कि ये मैच फिक्स है, जो ये वर्ल्ड कप हो रहे हैं ये फिक्स है, भारत की धरती पर ये हो रहे हैं और ये मतलब फिक्स किए गए हैं, और इसी वजह से मतलब भारत अभी तक भी कोई मैच नहीं हारा। कुछ इस तरीके की बात पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जहालत जो उनके अंदर भरी हुई है वो अब बाहर निकल कर आ रही है, जो कि आपने क्लिप में भी देखी होगी और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है, उसमें भी पाकिस्तानी आवाम साफ साफ तौर पर बोल रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया और श्रीलंका का मैच, बहुत ही फिनोमिनल बैटिंग इंडिया की जानिब से जनाब की गई है, 357 रन का टारगेट दिया गया, महज 8 खिलाड़ी आउट पर, और जनाब 3 खिलाड़ी ऐसे जो कि सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए, कोई 92 पे आउट हो गया, कोई 87 पे हो गया, कोई 85 पे हो गया, बट स्टिल से बहुत तारीफ की जा रही है इंडिया की। सेंचुरी के बगैर 2 आउट हुए थे, सेंचुरी के बगैर 2 आउट हुए हुए थे जनाब, और अब ये अय्यर साहब ने भी 82 स्कोर करके खत्म किया मैच। तीनों बल्लेबाज 2 ऊपर में विराट कोहली और शुभमन गिल, 92 रन पे आउट हुए थे शुभमन गिल, और विराट कोहली भी अपनी सेंचुरी नहीं कर पाए, और उसके बाद शेख सैयद ने भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। और आते साथ ही फिर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट भी ले लिया, तो सिफर पर पहली विकेट भी उनकी गई। बिल्कुल, एक बॉलिंग यूनिट की हैसियत से इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पर मोहम्मद शामी जिस फॉर्म में हैं और जिस अंदाज से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जितने अच्छे एरियाज में वो गेंद को फेंक रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। आप देखें बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाज को, जो कि इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच कैप्टन हैं, और ये जो बेसबॉल क्रिकेट है जिसमें वो बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते हैं, उनके खिलाफ जिस अंदाज में उन्होंने वो ओवर किया था जिसमें उन्होंने विकेट ली ना शामी ने, तो वो उनकी जो सलाहियतें हैं गेंदबाजी की उसका भरपूर तरीके से उन्होंने इजहार किया। शामी इनके पास हैं, सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, तीन बेहतरीन फास्ट बॉलर्स, फिर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स मौजूद हैं पिच में। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पिन भी कर रहा है बॉल। 2 स्कोर पे 2 आउट हो गए, पहला ओवर है जनाब, और सिर्फ 2 रन पर 2 आउट, 2 रन पर 2 आउट हो गए, तो 3 आउट हो गए जी, 3 आउट हो गए। क्या रहा है इनके साथ ये? देखिए अंडर लाइट्स फास्ट बॉलर्स को जरा मदद मिलती है विकेट टू विकेट। वैसे इस वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया ने
जो स्टंप्स को अटैक किया इनकी विकेटें ज्यादा वहां से निकली हैं। ऑल द टाइम अगर आप इनके बॉलर्स को देखते हैं तो इनकी लाइन बड़ी अच्छी होती है कि कहां से इनको विकेट। अब तो श्रीलंका को इज्जत बचानी पड़ेगी, कुछ तो स्कोर करें। रन्स बहुत ज्यादा हैं, ये आसान नहीं है। ये तीन स्लिप्स, ये कप्तानी है, इसको कहते हैं कप्तानी। अगर अगर आप देखें कि पिच में मदद मौजूद है, बॉल हिल रहा है, बाउंस कर रहा है, तो रोहित ने जो तीन फील्डर्स का फैसला स्लिप में किया है, तीन स्लिप्स लेके, उसका उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने तीसरा भी आउट कर लिया। अब ये ऑल आउट किल के लिए जाएंगे, अब ये भी कोई पता नहीं कि 100 के अंदर अंदर श्रीलंका को आउट कर दें। मैं यही तो कह रही हूँ, अपनी इज्जत के वो पड़ गए, मुश्किल पड़ गई। और ये विकेट टेकिंग जो ऑप्शंस होते हैं, लगता नहीं है ये 100 कर पाएंगे। देखिए मुश्किल हो गया ना। अब देखें ना, अभी कितने ओवर हुए हैं, अभी सिर्फ दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर चल रहा है। और दूसरे ओवर में तीन विकेटों के बाद जो फतह हासिल करने की शरह अब तक बताई जा रही है ख्याल के मुताबिक, वो सिर्फ 5% है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये फर्क होता है कप्तान में, अच्छे में। उन्हें रन तक तो लेने नहीं दे रहे। नहीं, अब तो मुसीबत पड़ी हुई है ना, देखिए अब तो वो अटैक कर रहे हैं सर। लेकिन ये ज्यादा बुरा हाल है, ये तो बहुत ही बुरा हाल है, ये बहुत ही बुरा हाल है, ये तो ये बहुत बुरा अपना, एक अपना आप रिकॉर्ड होगा इस पूरे वर्ल्ड कप में, और इंडिया के पास भी एक रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ये आप हमेशा से एक चीज कहते हैं कि लगता ऐसे है कि बड़े तरीके से इंडियन बॉलर्स पिच को और सिचुएशन को देखते हुए बॉलिंग करते हैं, व्हिच एक्चुअली पाकिस्तान हैज लॉस्ट, एनालाइज नहीं कर पाते। देखें उसकी एक वजह यह है कि इनके जो फास्ट बॉलर है ना, सारे के सारे आप देखें वो टेस्ट क्रिकेट बड़ी खेले हैं। हाँ। एक ही जगह के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि बैट्समैन को गलती पर मजबूर करें। भाई साहब इसको कहते हैं हॉस्टाइल क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर वन बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्टाइलिटी के साथ एब्सोल्युटली क्रश कर दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी और दूसरी टीमों का इंतजार करेगी कि अब और कौन सी टीमें अपना पत्ता टिकट कंफर्म करें और डायरेक्ट सेमीफाइनल में इंडिया को ज्वाइन करें। सो इंडिया इज थ्रू दैट टू बिकॉज ऑफ ओनली क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्रिकेट सवेरा। इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर वन बॉलिंग अटैक सवेरा। क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग, आज जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आज खौफ पैदा कर रही है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। आज के दिन के अंदर ना रोहित चला, मेन इनका खिलाड़ी नहीं चला जो इनको अच्छा स्टार्ट देता था, उसके बावजूद, रोहित शर्मा के बावजूद इस टीम ने 358 रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए हैं। मधुशंका फ्रॉम श्रीलंका 5 विकेट्स लेके गए, हाईएस्ट जिसको कहते हैं वो विकेट टेकर्स बन चुके हैं इस विकेट कहते हैं वर्ल्ड कप के। मधुशंका की मैं बात करूं, जिस तरीके से उसने रोहित शर्मा को आउट किया, पहला इनस्विंग दूसरा आउटस्विंग करके क्लियर उड़ाई, सुपर बॉलिंग। अब फिर मैं हैरान हूं कि आपके एक बॉलर ने 5 विकेट्स ले लिए, हां जी, फिर आपने रोहित शर्मा जो की बैकबोन अब बना हुआ है उसको आपने आउट कर दिया, जो इंडिया को बहुत अच्छा स्टार्ट दिलवाता है। फिर पांड्या आपकी इंडिया की टीम में नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने आपके 357 रन आपका करवा दिया। तो इसमें मैं वाकई दाद दूंगा इंडिया को, खास तौर पे विराट कोहली को। आज उसकी फिर बेचारे की सेंचुरी मिस हो गई, मुझे बड़ा दुख हुआ यार। उसके अलावा उस बाकी इंडिया के प्लेयर्स ने भी यार सेंचुरी मिस कर दी। शुभमन गिल बड़ा अच्छा खेला आज, गिल ने भी 92 स्कोर किए और वो भी बहुत जबरदस्त खेला। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या कहना है मतलब पाकिस्तान की इस जहालत के ऊपर, जो रुझान अब भारत के जीतने पर आने शुरू हुए हैं, अब जो इन्होंने जहालत दिखाई है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देनी है इनके ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।